हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ ऐसी जगह जिस जगह का नाम नीचे टाइटल में आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, और ये जगह जो है ना, ये ऐसी जगह है लखुडियार जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा इससे पहले, लोगों से सुना होगा इसके बारे में, स्कूल में पढ़ा होगा ऐसी चीज़ों के बारे में, लेकिन देखा नहीं होगा। तो आज मैं दिखाता हूँ, चलो चलते। रास्ते से मुझे बिन्नी लोगों को पिक करना है और फिर वहाँ से चलेंगे हम सीधे आगे, बस ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, बस 5 या 7 किलोमीटर होगा। तो दीवू और बिन्नी आ गए और अब हम लोग जा रहे हैं लखुडियार। कहाँ जा रहे हैं बताओ? हम लोग अभी रुके हैं बाड़े चिला से थोड़ा सा आगे खाना खाने के लिए, उसके बाद जाएंगे लखुडियार, क्योंकि वहाँ पे अगर टाइम लग गया ना तो फिर खाना खाने में इसको भूख लग जाती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम सोच रहे कि पहले खाना खा लेते हैं फिर लखुडियार जाएंगे। और खाना भी दिखाऊंगा मैं आज, क्योंकि बहुत कंप्लेन आ रही है, तुम खाना तो खा रहे हो लेकिन खाना दिखा नहीं रहे हो पहाड़ का कैसा होता है, तो मैं आज खाना दिखाऊंगा आपको। तो मेरा खाना आ गया, तो आज मैं खाना दिखाता हूँ फाइनली। तो ये रोटी, तवा रोटी, ये है अपनी अरहर की दाल, और ये है कड़ी, और ये है आलू मटर की सब्जी। देखो तो पहाड़ का ना स्पेशल कुछ भी नहीं है, बस कंप्लेंस आ रही है कि खाना नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं खाना दिखा रहा हूँ। देख लो आप, अब बिन्नी खा रही है टिक्की, होगी संतुष्टि, देख लिया खाना। हम लोग आगे खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं लखुडियार, यहाँ से बस 1 किलोमीटर होगा लगभग, और वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लखुडियार, और हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया। तो ये रास्ता जी जाता है सीधे लखुडियार। तो लखुडियार क्या है ना, बेसिकली मैं आपको वहीं पर जाके बताऊँगा। अभी एक यहाँ पर कल्चरल बोर्ड लगा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। आओ चलते हैं आगे। तो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है लखुडियार, इसको बोलते हैं रॉक शेल्टर भी बोलते हैं, स्टोन शेल्टर भी बोलते हैं। ये देखो, ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा से परेशान रहा है, जैसे आदि मानव के जमाने से ही। तो उस टाइम पे जब प्राकृतिक आपदाएं आती थी ना, तो आदि मानव बचने के लिए इसके नीचे आ जाते थे, तो इसी में ना इन्होंने नई नई कलाकृतियाँ बनाई हैं। देखो इसके बीच में ना लिखा हुआ है, ये देखो, ये लाल और ब्लैक कलर से, हाँ, रेड और ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है। ये देखो इसमें पूरे में ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें पेंटिंग्स हैं ये। लोग ही तो बने हो, 34 लोग हैं, तो उसमें ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ये जो लोग बने हुए हैं बेसिकली ना, तब थोड़ा इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, ये लोग बने हुए हैं और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे से यहाँ पे तक 34 लोग हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के अपना खड़े हैं, और 18 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ताकि मतलब ये यूनिटी शो करता है कि अगर कोई आपदा आ जाए तो सब लोगों ने हाथ पकड़ के खड़े रहना है, जिससे सब लोग बच सकें। और ये देखो इसके नीचे, ये है गुफाएं। बेसिकली लखुडियार का मतलब है, लख का मतलब है लाख, 100,000, और उडियार का मतलब है गुफाएं। तो मतलब यहाँ पे लाख गुफाएं हैं जिनके अंदर आदि मानव लोग रहते थे परेशानी के टाइम पे, आपदाओं के समय पे। ये सब आदिमानव, ये आदिमानव का किया हुआ नहीं, ये यहीं के किसी मानव का किया हुआ है। हाँ, उस टाइम के लोग तो सभ्य होते थे, तो अच्छे तरीके से किया हुआ है, मेंटेन किया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन ये आज के कोई मानव है, इनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये मानव देख रहे हैं ना, तो ऐसी हरकतें ना करें।
ये देखो यहाँ तक ये वाले गंदे वाले मानव पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तो आदि मानव थे, बड़े तमीज से काम किया हुआ है, और ये आज के मानव है जिन्होंने पूरा गंदा करने की कोशिश की है। देखो वहां तक पहुंचे हुए यार ये, ये तो ये ना कुछ साइंस है, अगर कोई ज्यादा आपदा आ जाए कुछ आ जाए तो एरो भी बनी हुई है कि यहाँ से कैसे जाना है, यहाँ से क्या करना है, कहाँ से ऊपर भी कुछ होता रहता होगा पहले। हाँ वही कह रहा हूँ ना, ऊपर तक लाइंस बनी हुई हैं, बहुत जबरदस्त। देखो ना उस टाइम पे भी आदिमानव थे, लेकिन ना पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे, बहुत मतलब हर चीज की प्लानिंग होती थी, जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ से आदिमानव को व्यू आता था नदी का। इस नदी का नाम ये सुयाल नदी है, यहाँ की लोकल नदी है। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा पानी रहता होगा, तो आदिमानव लोग और ज्यादा एंजॉय कर पाते होंगे, आज थोड़ा कम पानी हो गया तो। ये जो जगह है ना, अगर आप अल्मोड़ा वाली साइड से आ रहे हैं, लखोडियार यहाँ का नाम है, अगर अल्मोड़ा वाली साइड से आ रहे हैं तो अल्मोड़ा से पड़ता है 23 किलोमीटर और चेतई से पड़ता है 7 किलोमीटर, और अगर पिथौरागढ़ वाली साइड से आ रहे हैं तो बाड़ेचीना से लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे है। तो ये मतलब बेसिकली बाड़ेचीना और चेतई के बीच में है, आप इजीली देख सकते हैं, रोड में ही बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ से रास्ता बना हुआ है अब तो बहुत अच्छी जगह है ये। ऐसी जगह है ना बिल्कुल अनटैप्ड है, जो ऐतिहासिक जगह है तो आपने देखी होंगी, प्राग ऐतिहासिक जगह है, इतिहास लिखने से पहले का टाइम की चीजें हैं ये। लोग कलर कितने अच्छे हैं, देखो कितना पुराना रहा होगा जमाना, फिर भी अभी यहाँ पर अभी तक दिख रहे, जबकि लोगों ने ऐसा कर रखा है, देखो लिख काला भी करा है फिर भी कलर दिख रहे हैं। और यही बता रहे सब लोगों ने यहाँ पे जो बने हुए हैं उसमें सब लोगों ने अपना अच्छा हाथ पकड़ा, तो थोड़ा यूनिटी को शो करता है कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए टाइप। नहीं भालू की नहीं थी यहाँ पे, जानवर भी रहते थे बट इंसान भी रहते थे ना, इंसान भी तो ऐसी जगहों पे रहते जो थे। पहले वाले इंसान होते थे ना वो रहते थे यहाँ। तो ये है वो प्रागैतिहासिक गुफा जिसका उपयोग आदिमानव लोग किया करते थे बरसात से या भी किसी भी हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए, ना इसके नीचे छुप जाते थे, इसके नीचे रहते थे, और ये पत्थर पूरी तरीके से उनकी रक्षा करता था। और इसके अंदर ना जो हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है शेषनाग टाइप का। फिलहाल यहाँ पे कवर करने के लिए बस इतना ही था, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन इसका ना महत्व बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट वगैरह ने भी ध्यान दिया है और यहाँ तक आने का रास्ता बनाया हुआ लोगों को, ताकि पता चल सके जो चीज़ें किताबों में देखी हैं पढ़ी हैं सुनी हैं उन चीज़ों को एक बार रियल में भी देखने का मौका मिलता है। तो थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा काम किया हुआ है कि यहाँ तक अच्छे से रोड बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, बेसिकली गाड़ी से नहीं आप पैदल आ सकते हो, गाड़ी जो रोड से बस 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो बस इतनी डिस्टेंस है रोड से ही, वो देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और वो वहाँ पे गुफा है बस, तो 100 मीटर की डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप इधर से आते हैं तो ये अल्मोड़ा वाली साइड है, अल्मोड़ा वाली साइड से आते ही आपको ये दो रोड दिख जाएंगे, एक रोड ऊपर नैनी को जाती है और दूसरी रोड सीधे बाड़ेछीना को जाती है। और अगर आप बाड़ेछीना वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको ना इधर ये गेट लगा हुआ दिख, तो आपको अगर बाड़ेछीना वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे गेट दिख जाएगा।
तो बहुत इजी है यहाँ पे आना, मिल जाएगा आराम से। और बहुत फेमस जगह है लोकल में, किसी से भी पूछोगे तो हर आदमी बता देगा कि लखुडियार कहाँ पड़ता है। लेकिन एक बार ना यहाँ पे आना बनता है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत नॉलेजेबल। और मतलब ऐसी चीज़ नहीं मिलती कहीं देखने को, म्यूजियम्स वगैरह में देखने से अच्छा एक बार लाइव देख लो ना कि क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी चीज़ कवर करके, मैं पहली बार ऐसी चीज़ कवर कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी ना पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ही मतलब मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार देखना चाहिए आपके बच्चों को भी, एजुकेशन के पर्पज से एजुकेशनल डेस्टिनेशन या फिर किसी भी तरीके की डेस्टिनेशन हो सकती है। पिकनिक के लिए भी अच्छी जगह है, लेकिन अवॉइड करें कि यहाँ पे पिकनिक वगैरह ना मनाएं। पिकनिक मनाएं तो थोड़ा साफ़ सुथरा रखें, उसको मेंटेन करें, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ गंदा कर रखा है लोगों ने, वो सब ना करें। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से अब वापस घर की तरफ को। अपना घर यहाँ से पास ही में है, और पता है मैं उत्तराखंड में रहते हुए मुझे इतने साल हो गए, लगभग 20 साल तो मैं उत्तराखंड में ही रहा हूँ, उससे अभी 10-12 साल से बाहर हूँ, तब भी मैंने ये जगह कभी विजिट नहीं करी थी और कभी सुनी भी नहीं थी। बहुत ही अनटैप्ड है, मुझे लगता है कि मिस किया है मैंने कुछ। जब हम पढ़ते थे तभी पढ़ते, जब ऐसी चीज़ें छूट जाती ना उत्तराखंड का होने के बाद भी, तो बड़ा बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने कवर किया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी आए एक बार, अगर आप यहाँ लोकल से हैं तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें, अपने बच्चों के साथ में खासकर, कि बच्चों को पता चले। तो हम लोग वापस आ गए लखुडियार से घर पे, गाड़ी पार्क कर दी और अब सीधे जाना है घर। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी इससे आगे की कहानी अगले ब्लॉग में। बाय।